फ्रेंड्स, मैं नम्रता, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे आप लोगों के जो क्वेश्चन है यानी कि कमेंट है उनके आंसर करने वाली हूँ क्लिंजर प्लस टोनर की वीडियो को लेकर। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे दो वीडियो है क्लिंजर प्लस टोनर की। एक तो वीडियो में मैंने पूरी तरह से रिव्यू दिया है इसका, प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, सारा कोई डिटेल आप लोगों को बताया है। और दूसरी जो क्लिंजर प्लस टोनर की वीडियो है फ्रेंड्स मेरी, वो डेमो की है, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया कि कैसे इस प्रोडक्ट को आप लोगों को यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किस टाइम यूज़ करना है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्लिंजर प्लस टोनर को लेकर के, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि वो कमेंट करते जा रहे हैं मुझे वीडियो के नीचे में, और दोनों ही वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मैंने सोचा कि आज आप लोगों को इस कमेंट का आंसर दे दूँ, क्योंकि वहाँ पे जो होता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का रिप्लाई तो सबका करती हूँ बट उतनी अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती आप लोगों को, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। फ्रेंड्स, वो जो क्वेश्चन थे आप लोगों के, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि मैम, क्या इसे हम डेली यूज़ कर सकते हैं, क्या क्लिंजर प्लस टोनर को हम रात में लगा कर सो सकते हैं, क्या बॉयज यूज़ कर सकते हैं, और अगर पिंपल वाली स्किन है तो पिंपल वाली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, तो सबका मैं आज आंसर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को भी कुछ डाउट है इस क्लिंजर प्लस टोनर को लेकर और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के भी मन में है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आप लोगों को इस वीडियो में आंसर मिल जाए इसका। और अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ा डाउट हो तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। आपका स्वागत है एनवेस्टी चैनल पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का कि इस क्लिंजर प्लस टोनर को क्या हम डेली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लिंजर प्लस टोनर जो है, आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं अगर आप डेली आपका घर से बाहर वर्क है, तो डेली आप धूल मिट्टी पॉल्यूशन में जा रहे हैं तो आप लोग इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। और डेली अगर आप लोगों को इसे यूज़ करना है तो आप लोग इसे एक बार यूज़ कीजिए नाइट में, क्योंकि दिन भर की जो धूल मिट्टी पॉल्यूशन होती है वो आपके स्किन से निकल जाएगी और अच्छी तरह से स्किन साफ और क्लीन हो जाएगी। अगर आप फ्रेंड्स डेली घर पर रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको डेली क्लिंजर प्लस टोनर का यूज़ करना है, आप वीक में 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। दूसरा कमेंट है फ्रेंड्स, क्या हम इस क्लिंजर प्लस टोनर को लगाकर सो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों को इसे लगाकर बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि ये कोई भी नाइट क्रीम नहीं है, कोई भी एंटी एजिंग क्रीम नहीं है, ना ही कोई ऐसा सीरम है जो आप लोगों की स्किन को रिपेयर करेगा नाइट में, है ना। तो ये एक क्लिंजर प्लस टोनर है जो आपकी स्किन से सारे धूल मिट्टी पॉल्यूशन को निकालने का काम करता है। तो इसे आप लोगों को मात्र मसाज करनी है 3 से 4 मिनट के लिए, एंड आप लोगों को फेस वॉश करना है। और फेस वॉश करने के बाद में फ्रेंड्स, आप लोगों को जो भी आप लोग लगाते हैं, नाइट क्रीम लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, या भी सीरम वगैरह भी जो भी यूज़ करते हैं, वो आप लगाकर आराम से सो सकते हैं। क्रीम है, जो भी लोशन है, ये सारी चीज़ें आप लोग लगाइए, क्लिंजर प्लस टोनर को आपको पूरी नाइट लगाकर नहीं रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या इस क्लिंजर प्लस टोनर को ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी भी ऑयली स्किन है और मैंने जब क्लिंजर प्लस टोनर को यूज़ करना स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि सभी स्किन वाले जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये प्रोडक्ट आप लोगों को सूट होता है तो आप लोग इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगभग 3-4 दिन में ही पता चल जाएगा कि आप लोगों को प्रोडक्ट सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को अगर सूट नहीं होता है प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी यूज़ मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आगे चल के आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमेशा हमें वही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए जो कि हमारी स्किन को सूट होता है। सबकी स्किन जो होती है वो अलग अलग होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, किसी की ड्राई होती है, तो इस तरह से सबको अपने स्किन टोन के हिसाब से ही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। और नेक्स्ट कमेंट है फ्रेंड्स कि इस क्लिंजर प्लस टोनर से क्या दाग धब्बे स्किन के साफ होते हैं, यानी कि ठीक होते हैं क्या। तो फ्रेंड्स, ये क्लिंजर प्लस टोनर जो है, इससे आपके दाग धब्बे बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन करने का काम करेगा, डीप क्लीन करता है आपकी स्किन को, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसे आप लोगों के दाग धब्बे ठीक नहीं होंगे, उसके लिए आपको अलग ही प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें आप स्किन फॉर्मूला 9 का विटामिन सी का यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लीट फेयरनेस क्रीम जो आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को अलग प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम इसे क्लिंजर प्लस टोनर को लगाकर रिमूव करना है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को इसे लगाकर ज़रूर रिमूव करना है। मैं फिर से आप लोगों को कहूँगी कि ये कोई भी क्रीम नहीं है जो आप इसे अप्लाई करके फेस पर रखे रहेंगे, सिर्फ एक क्लिंजर है ये, तो आप लोगों को इसे सिर्फ फेस को क्लीन करने के लिए ही यूज़ करना है, देन आप लोगों को फेस वॉश करना है, और उसके बाद में फ्रेंड्स आप जो भी लगाते हैं क्रीम, मॉइस्चराइजर, वो सब कुछ लगा सकते हैं। तो
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कमेंट है कि इस क्लींजर प्लस टोनर को फेस वॉश करके यूज करें या इसे कर फेस वॉश करें। कोई भी फेस वॉश यूज करते हैं डेली तो आप लोग अपना फेस वॉश कर लीजिए पहले, उसके बाद में इस क्लींजर प्लस टोनर से 3-4 मिनट के लिए मसाज करिए। उसके बाद में आप लोगों को फेस सिर्फ पानी से धोना है, यानी कि सिर्फ पानी से क्लीन करना है, इसके बाद में आप लोगों को फेस वॉश नहीं करना है। तो इसी तरह से यूज करना है आप लोगों को जब भी आप क्लींजर प्लस टोनर का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है फ्रेंड्स आप लोगों का कि मैम ये प्रोडक्ट सच में काम करता है। तो जी हाँ, ये प्रोडक्ट सच में काम करता है। बहुत सारे लोग आज इस क्लींजर प्लस टोनर को यूज कर रहे हैं और उन्हें ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम भी थी, जैसे कि ब्लैक हेड होना, पिंपल्स होना, इस तरह की स्किन में डलनेस होना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को ठीक हुई है। तो प्रोडक्ट सच में वर्क करता है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट अच्छा है। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों को इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये आप लोगों की स्किन टोन पे निर्भर करता है कि आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों को सूट करता है आपकी स्किन को या कौन सा प्रोडक्ट सूट नहीं करता। यही सब ध्यान रख के हम लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करना होता है फ्रेंड्स। अगर आप गलत प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को ज़रूर नुकसान पहुँचेगा, और कई बार गलत प्रोडक्ट यूज़ करने से तो बहुत सारी पिंपल्स की, एक्ने की, और कई बार ब्लैक हेड की, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन की जो है वो आने लगती है। तो इसलिए आप लोगों को गलत प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट यूज़ करना है, चाहे वो प्रोडक्ट आपकी 100 रुपीज़ की हो, चाहे वो प्रोडक्ट 500 की हो। फ्रेंड्स प्रोडक्ट वही अच्छे होते हैं जो आप लोगों की स्किन को सूट होते हैं। प्रोडक्ट सस्ते या महंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता, कौन सी प्रोडक्ट आप लोगों को सूट करती है ये इंपॉर्टेंट करता है। तो नेक्स्ट टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट कमेंट है फ्रेंड्स आप लोगों का कि इस क्लींजर प्लस टोनर को क्या बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, इस क्लींजर प्लस टोनर को बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं एंड गर्ल्स भी यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट कमेंट है फ्रेंड्स आप लोगों का कि क्या इस क्लींजर प्लस टोनर को दिन में यूज कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोग इसे दिन में भी यूज कर सकते हैं, आप लोग इसे नाइट में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जब आप लोगों के पास टाइम हो तब आप इस क्लींजर प्लस टोनर को यूज कर सकते हैं। जरूरी है आपकी स्किन को साफ और क्लीन रखना, तो आप लोगों को जब भी टाइम मिले आप तब कीजिए, कोई भी टाइम इसे कर सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट कमेंट है फ्रेंड्स आप लोगों का कि पिंपल्स स्किन वाले इस क्लींजर प्लस टोनर को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगी कि क्लींजर प्लस टोनर को आप लोगों यूज़ कीजिए और आप लोगों का पिंपल ठीक हो जाएगा, क्योंकि पिंपल्स होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं फ्रेंड्स, और वो किसी एक प्रोडक्ट से ठीक हो जाए आपके पिंपल की पॉसिबल नहीं है। तो कई बार पिंपल जो होते हैं फ्रेंड्स हम लोगों की बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिन जमा होने की वजह से होता है, बॉडी अच्छी तरह से क्लीन नहीं होने की वजह से होता है, और कई बार कई गलत प्रोडक्ट हम लगा लेते हैं जिसकी वजह से पिंपल होना स्टार्ट हो जाता है। तो टीनेजर्स में भी पिंपल्स होना बहुत ही नॉर्मल होता है, सबको होते हैं इस टाइम में। तो ये जो होते हैं कुछ टाइम बाद खुद ही ठीक होते हैं अपने आप ही। और कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम अपनी स्किन को साफ और क्लीन नहीं रख पाते, प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं जितना बॉडी को ज़रूरत होती है, तो इस वजह से भी पिंपल होते हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट से आपके जो है पिंपल्स ठीक हो जाए ये मैं आप लोगों को नहीं कह सकती। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी स्किन पिंपल वाली स्किन है तो आप लोगों को नए नए प्रोडक्ट यूज़ करने से बचना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद में ही कोई प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम पिंपल्स को ठीक करने के लिए नए नए प्रोडक्ट यूज़ करते जाते हैं स्किन में और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो आप लोगों को अपनी स्किन को देखकर अच्छी तरह से समझकर सभी प्रोडक्ट को यूज़ करना है। फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड और कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।